एक छोटी लौकी लेंगे और उसको कद्दूकस कर हम एक सीटी लगाएंगे। सीटी लगाते हुए कुकर में 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसको अब हम अच्छे से, हमारी लौकी गल गई है तो हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं। लौकी को अच्छे से मैंने हाथ से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और लौकी हमारी बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। साथ साथ दही को हम डालेंगे लौकी के अंदर। साथ साथ आधा चम्मच सेंधा नमक और सभी चीजों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। लौकी का रायता बहुत ही हल्का होता है और ये आराम से आप बनाकर खा सकते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। नमक, लौकी और दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। साथ साथ एक करछी को मैंने गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर तड़के के लिए मैं 3 ही चीजों का इस्तेमाल करूंगी, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा जीरा और 2 लाल मिर्च। करछी हमारी एकदम गर्म है तो यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा, साथ साथ डालेंगे जीरा और लाल मिर्च। और बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको गैस के ऊपर नहीं रखना है, बस गैस को कर देंगे बंद और एकदम हम तड़के को रायते के ऊपर डालेंगे। यम्मी यम्मी रायता बनकर तैयार है। देखो फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही लौकी का रायता बनाइए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आलू के रायते की रेसिपी। यहाँ पर हम दूसरा रायता, आलू का रायता बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और नवरात्र में आप आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो आलू का रायता बनाने के लिए 2 उबले हुए आलू लेंगे, दही, जीरा, 2 लाल मिर्च और 1/2 चम्मच सेंधा नमक। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट बनाना शुरू करते हैं आलू का यमी यमी रायता। सबसे पहले आलू को हम ऊपर से छील लेंगे। दोनों आलू को हमने छील लिया है, इसको हाथ से हल्का हल्का मैश करेंगे। आलू हमारा रेडी है और चलो फ्रेंड्स, अब दही तैयार कर लेते हैं। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही हमारा थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए तभी आलू का रायता अच्छा लगता है। साथ साथ डालेंगे नमक, ये हम सेंधा नमक ले रहे हैं और मिक्स कर देंगे। साथ साथ आलू डालेंगे और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रायता भी 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको 3 तरह की रायते की रेसिपी बता रही हूँ, तो आप नवरात्र में आराम से बनाकर खा सकते हैं। दही और आलू हमारा मिक्स हो गया है। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी, 3 से 4 ड्रॉप। जैसे ही घी हमारा गर्म होगा, साथ साथ डालेंगे जीरा और लाल मिर्च। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है तो साथ साथ रायते के ऊपर डाल देंगे और रायता हमारा एकदम बनकर तैयार है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा हरे धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकदम फटाफट यमी यमी रायता बनकर तैयार है। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, तभी इसको हम खाएंगे। और जो 3rd नंबर का रायता मैं आपको बता रही हूँ वो है मिक्स रायता। मिक्स रायता बनाने के लिए मैंने लिया है कुट्टू का आटा, थोड़ा सा सेंधा नमक, 1/2 नींबू, 1 खीरा, गाजर और 1 कटोरी दही। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं एकदम यम्मी मिक्स रायता। मिक्स रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही
दही हमारा फिटकर तैयार हो गया है। एक तरफ हमने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रखा है, यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हम खीरे को दोनों साइड से कट करेंगे और इसका छिलक मैं नहीं उतार रही हूँ, तो ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। साथ साथ गाजर को छील लेते हैं। गाजर को छीलकर कद्दूकस करना है हमें। और देखो फ्रेंड्स, खीरा हमारा कद्दूकस हो गया है, गाजर को भी हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेते हैं साथ में। गाजर और खीरा हमारा कद्दूकस हो गया है। साथ साथ हम एक छोटी कटोरी लेंगे और उसके अंदर डालेंगे कुट्टू का आटा, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये 2 चम्मच कुट्टू का आटा है तो बहुत ही थोड़ा हमें नमक डालना है। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी, 3 चम्मच पानी हमें इस्तेमाल करना है। अभी पहले हम 2 चम्मच लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम कुट्टू का आटा और पानी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर साथ साथ हम डालेंगे नींबू का रस और एक बार फिर मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। दो मिनट हो गए हैं तो इसके अंदर अब हम 1 चम्मच पानी और डालेंगे। ये एकदम हमारा रेडी हो गया है, तो अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं बूंदी। हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पर साथ साथ डालेंगे एक छलनी के ऊपर और थोड़ा सा इसको चारों तरफ फैलाते रहेंगे। बस 2 मिनट हो गए हैं और हमारी एकदम बूंदी बनकर तैयार है। अगर आप बूंदी ना डालना चाहें तो बिना बूंदी के भी हम ये मिक्स रायता बना सकते हैं। साथ साथ डालेंगे दही के अंदर गाजर और खीरा। बूंदी हमने तैयार की है वो हम डाल रहे हैं। इसको मैंने एक पेपर नैपकिन के ऊपर निकाल लिया। साथ साथ थोड़ा सा सेंधा नमक और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ साथ अगर आप चाहें और लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आप नवरात्र में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल ना कीजिए। और थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे गाजर, कद्दूकस किया हुआ गाजर और खीरा। देखो फ्रेंड्स, ये एकदम हमारा यमी रायता बनकर तैयार है। तो आप ऐसे ही नवरात्र में रायता बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।